अच्छी हुए हैं तो मुझे अपने सर से पता चलेगा, ठीक है। अच्छा एडिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। जब भी सवाल आएगा सवाल में जो जो चीजें गिवन है ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा सवाल में जो लास्ट चीज रखी है ध्यान से देखिएगा, आपके पास रखा है पेंट वन आइन। अब आपको फॉर्मूला तो पता होना चाहिए पेंट वन आइन, बताइए कैसे बनेगा। ओके मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट वन पे आइन, ठीक है। अब चाहो तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, चाहो तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, बताइए बन गया पेंट वन आइन, ठीक है। अच्छा आपको एडिशन करना है वाटर का, मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में एडिशन करना है, बेसिकली मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में जब एडिशन करोगे तो रिएक्शन एक मैग्नीशियम के थ्रू जाता है जहां पे मर्क्यूरेट आयन बीच में इंटरमीडिएट बनता है, बट आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमने पढ़ रखा था। अब मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर का एडिशन करूंगा, मैंने H2O लिख दिया इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2, आपने कॉपी में लिख रखा होगा HgSO4, ठीक है। और एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन का मतलब साथ में H2SO4, या मैं लिख लेता हूं H2O+, ठीक है। ओके वाटर का एडिशन होगा, अब वाटर का एडिशन होगा ट्रिपल बॉन्ड। अब जब वाटर का एडिशन ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक चीज ध्यान में रखनी कि ये मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग होगा, स्पॉन्सर रूल फॉलो होगा मार्कोनी। ध्यान ध्यान मैकेनिज्म की बात करूंगा, सबसे पहले ये जो Hg+2 ये अटैक करता है, सबसे पहले Hg+2 अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट मर्क्यूरेट आयन स्पीशी आपके पास बन जाता है, उसके बाद कहीं जाकर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर देता है, बट हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। अच्छा जब मार्कोनी को रूल आप लगाओगे और वाटर का एडिशन होगा, तो वाटर का एडिशन तो आपका पाई बॉन्ड पे होने वाला है, तो बताइए मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग एक तो OH नेगेटिव आएगा, दूसरा ठीक है। अच्छा नेगेटिव वाला कहां जाके अटैक करेगा, सही उस वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, कम हाइड्रोजन अंदर वाले भी होंगे, इस वाले भी कम हाइड्रोजन होंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे OH आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहां पे आके जुड़ गया OH, ठीक है। अच्छा एक बॉन्ड रिड्यूस हो गया, एक बॉन्ड अभी भी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा, ये फॉर्म आ गया। अच्छा ये आपके आंसर्स में सॉल्यूशन में ये फॉर्म नहीं दे रखा है, बट आपको ये पता है कि ये फॉर्म तो इनोल है, राइट, दिस इज इनोल फॉर्म, डबल बॉन्ड भी और साथ में OH भी है, इनोल फॉर्म है, अभी टाटोमराइज कर सकता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल पूछा रहता है, तो इट विल अंडरगो टाटोमराइजेशन। और ये इनोल फॉर्म किसमें करना होता जाए, किटो फॉर्म में, व्हिच इज मोर स्टेबल फॉर्म। जब कभी भी आप किटो और इनोल में देखोगे तो किटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, ठीक है। इनोल फॉर्म सिर्फ तब स्टेबल होता है जब एक से ज्यादा OH प्रेजेंट हो और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, अदरवाइज किटो फॉर्म हमेशा स्टेबल दिखने को मिलेगा। अच्छा अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, जब भी आपके पास इनोल फॉर्म दे रखा है जहां पर भी OH प्रेजेंट है वहां पर डबल बॉन्ड O लगा लो और डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दो, तो इसको आप किटो फॉर्म में जो कन्वर्ट करेंगे सेम इस तरीके से आ जाएगा, जहां पर OH था वहां पर क्या कर दूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सही, तो ये बन गया आपका कीटो। अच्छा इसका नाम क्या आ जाएगा, दो पे होने वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज पेंटेन, ठीक है, दिस इज पेंटेन टू ऑन, ठीक है जी। अब देखो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ऐसा वाला, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा, पहले वाले आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ध्यान देना इसपे बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, एल्काइन्स को एल्काइन्स पे वाटर का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ Hg+2 आयंस और एसिडिक कंडीशन में, सबसे पहले इनोल का फॉर्मेशन होगा जो आपको मार्कोनी को एडिशन के थ्रू करवाना है, उसके बाद टाटोमराइज कर दीजिए और मोर स्टेबल फॉर्म आपका कीटो बनेगा, मैंने लिख दिया यहां पे, दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ये स्टेबल फॉर्म होगा। टाइटोमराइजेशन में हमेशा H शिफ्ट हो जाएगा और बॉन्ड प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएगा, हाँ प्रोटॉन का शिफ्ट देखने को मिलेगा, जानने की बहुत प्रोटॉन।